गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द टॉपिक ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8th, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द चैप्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8th नोट्स. At first we will know about crop. What is crop? Plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called crop. फसल क्या होती हैं? एक ही तरह के पौधे फसल के रूप में एक बड़ी जगह पर उगाए जाते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं. टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप के प्रकार कितने होते हैं, फसल कितने प्रकार की होती हैं. क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ऐसी फसल जो कि सर्दी के मौसम में अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं. द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, और ऐसी फसलें जो कि बारिश के मौसम में जुलाई टू अक्टूबर होती हैं, उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं. उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन. सबसे पहला जो कदम होता है वो खेत को तैयार करने को लेकर आता है. सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ क्रॉप, और मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि उसमें फसल के बीज बो सकें. एंड थर्ड, दिस इज़ कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स, और इसके लिए कई प्रकार के तरीके और जो टूल्स हैं, जो हथियार हैं, औजार हैं, वो काम में लेते हैं. आइए बात करते हैं सबसे पहले टिलिंग, जिसे हम प्लगिंग कहते हैं, यानी जोतना, जुताई, खेत की जुताई. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग and turning of the soil is called tilling or plugging and is done by using a plug. और जिस प्रोसेस से हम खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं, उसको ढीला करते हैं हल चला करके, हल की मदद से, ताकि उसमें बीज रोपण हो सके, उसमें हवा पानी खाद जा सके, उसको हम कहते हैं जुताई. प्लग, प्लग इज़ ए डिवाइस. अब प्लग क्या है? प्लगिंग करने की एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा औजार है दैट इज़ यूज्ड बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, टिलिंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल. वह डिवाइस होती है जिससे किसान अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम में लेता है, चाहे वो उसमें फर्टिलाइज़र जोड़ने की बात हो, जुताई की बात हो, मिट्टी को लूज़ करने की बात हो. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड स्कैपिंग ऑफ सॉइल. तो ये इन चीज़ों को, वीड्स को हटाने के लिए भी काम में लेते हैं, फर्टिलाइज़र को जोड़ने के लिए भी काम में लेते हैं. साथ ही साथ प्लग शेयर इज़ द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप. ये एक तिकोना, त्रिभुजाकार एक स्ट्रिप होती है लोहे की. पहले ये लकड़ी के एक बड़े हल में आगे की तरफ लगाई जाती, आजकल ये ट्रैक्टर के पीछे एक पूरा का पूरा एक सेट होता है, उसमें लगाई जाती है. ए प्लग शाफ्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लग विच इज़ मेड यूजिंग ए लॉग ऑफ वुड. जो अभी हम बात कर रहे थे वही है कि प्लग शाफ्ट, इसका जो मेन हिस्सा होता है वो एक बहुत बड़ा आगे लकड़ी का एक लट्ठा टाइप होता है, जिसके आगे ये तिकोना टाइप में जो स्ट्रक्चर में ट्रायंगुलर शेप में एक स्ट्रिप लगी रहती है. द अदर एंड ऑफ शाफ्ट हैज़ ए हैंडल, दूसरी तरफ इसका हैंडल होता है. अदर एंड इज़ अटैच टू ए बीम, वो बीम से अटैच होता है जो कि बुल्स नेक के ऊपर रखा रहता है. पुराने टाइम में जो बुल्स, यानी क्या समझ रहे हैं आप बताइए बच्चों, क्या समझ रहे हैं? बुल्स समझ रहे हैं? बैलों से जो खेती होती थी, तो बैलों के कंधों पर उसको रखा जाता था हैंडल को. ए वुडन ट्रेडिशनल प्लग इज़ ऑपरेटेड बाय ए पेयर ऑफ ऑक्स. देखिए, एक जोड़ी उसमें बुल हुआ करते थे, उनको काम में लेते थे परंपरागत जब खेती की जाती थी बैलों से.
Nowadays, आजकल द वुडन प्लग आर बींग रिप्लेस बाई आयरन प्लग्स, आजकल उसका स्थान ले लिया आयरन प्लग ने, लोहे के हल ने। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पहले के टाइम, और ये उन दोनों के कंधों पे रखी जाती थी, और ये यहाँ से इसको हाथ से ही हैंडल से किसान पकड़ता था, और ये नीचे जो ट्रायंगुलर शेप में आयरन है इसको मिट्टी में रोपित कर दिया जाता था। अब बात करते हैं दूसरे टूल्स की, हो, हो की बात कर रहे हैं। ए हो इज़ ए टूल दैट यूज टू डिग अप सोइल टू रिमूव वीड्स एंड ऑल्सो लूजन अप टू द सोइल बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग। हो एक ऐसा टूल है जो कि मिट्टी में वीड्स को हटाने के काम में लिया जाता है, मिट्टी को ढीला करने के लिए, और साथ ही साथ प्लांट को जब रोपित किया जाता है उससे पहले जो हल्की सी जो खुदाई होती है उसमें काम में आता है, ये हो है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजिंग सोइल। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जाता है और ये मिट्टी को ढीला करने का काम करता है, और साथ ही साथ ये प्लग, सिंस दे आर फास्टर, जब से इसमें प्लगिंग जोड़ दिया गया है बहुत तेज़ी से जल्दी से खेत की जुताई होती है, आप देख सकते हैं कल्टीवेटर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे मॉडर्न डे कल्टीवेटर, आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे सोइंग की। सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सोइल, बीज को मिट्टी में लगाने की प्रक्रिया को हम सोइंग कहते हैं, यानी बीज का रोपण करना, बीज की उगाई करना। द सीड्स आर सोन इन द सोइल दैट इज लूजेंड बाई कल्टीवेटर प्लग, और ये काम कल्टीवेटर या प्लग के द्वारा किया जाता है। इसमें हमें क्वालिटी ऑफ सीड का ध्यान रखना है, सीड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, इसको भरपूर मात्रा में पानी मिलना चाहिए। डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन द वाटर, जो डेड और डैमेज सीड होते हैं वो हमेशा पानी के ऊपर आ जाते हैं, तैरते हैं, जबकि अच्छी वाली क्वालिटी के जो बीज हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ये चेक करने का तरीका है अच्छे बीज और ख़राब बीजों को। ट्रेडिशनल टूल की बात करें कि पहले जो, आज जो मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी है वो अब जो यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या होते थे उसमें क्या चीज़ें होती थी उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब सीड ड्रिल, सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इनको ट्रैक्टर की मदद से सीड को ड्रिल किया जाता है, अंदर तक लेके जाया जाता है। इट एंश्योर दैट सीड आर सोन यूनिफॉर्मली, और इससे ये भी रहता है कि बिल्कुल एक समान दूरी पर बीजों को रोपित किया जा रहा है, पर्टिकुलर डेप्थ और एक निश्चित गहराई में सभी बीज जा रहे हैं, एंड कवर्ड बाई सोइल, और साथ ही साथ साइड से मिट्टी गिरती रहती है तो उससे कवर्ड भी रहते हैं। देन वी टॉक अबाउट नर्सरी। नर्सरी पौधशाला को कहते हैं हम। नर्सरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर छोटे जवान नए पौधों को, पेड़ों को उगाया जाता है, उनकी पौधरोपण तैयार की जाती है, ताकि उनसे वहाँ से लेके जाएँ और उसको तैयार जो खेत है, मिट्टी है, उसमें हम रोपित कर सकें। नर्सरी एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑफ सैपलिंग, एक तरीके से उनका ये एक उद्गम स्थल हो सकता है जहाँ पे तैयार किए जाते हैं पौधों को। जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करते हैं, बीज का उगना। जर्मिनेशन ऑफ सीड हैपन्स व्हेन द सीड इज सोन इन द लैंड एंड वाटर। सेकेंड, ए प्लांट स्टार्ट टू इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो। जैसे ही प्लांट जब थोड़ा सा इमर्ज होने लगता है, वो अपने पानी को अवशोषित करने लगता है, सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो, वो बीज आगे जा कर के अंकुरित होने लगता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। मैन्योर देशी खाद को बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स हम जो बाहर से बाज़ार से परचेज करके लाते हैं, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनता है, उनसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। ये सिंथेटिक होता है, मैनमेड होता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सोइल, इनक्रीज देयर फर्टिलिटी। ये मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। वाइल मीजर्स आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर्स इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक। अभी हम जो बात कर रहे थे वही है ये, कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे तैयार होती है मैन्योर, जबकि केमिकल सब्सटेंस और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे बनती है फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, जिसको आपको कॉपी में नोट करना है, फेयर कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे इसकी मदद से आप कर सकते हैं,
Fertilizers is an inorganic salt. Manures are organic salt. Fertilizers are manufactured in factory, while manures can be prepared in farm. Fertilizers are added in comparatively smaller quantity, while manures needed to be added in a large quantity. Fertilizers don't provide any humus to the soil. ये मिट्टी को कोई humus जो पोषक तत्व होता है वो नहीं दे पाते हैं, जबकि manure provide a lot of humus to the soil. Okay students, I think आपको ये fertilizers और manures का आपको clear हो गया होगा कि fertilizers हमारे लिए उतने अच्छे नहीं हैं लंबे समय के लिए, manure ही अच्छा है. लेकिन अगर हमें पैदावार तेज़ी के साथ चाहिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए चाहिए, तो हमें फर्टिलाइजर्स का सहारा लेना पड़ता है. यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज जो नुकसान है फर्टिलाइजर्स के वो बताए जा रहे हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पोल्यूशन. ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रदूषण हो सकता है. इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस. और कुछ केसेस को छोड़ के अगर हम बात करें तो इससे धीरे 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 मिट्टी की पीएच भी बढ़ जाती है, पीएच चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो जाती है, जो कि हमारे खेत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. आगे फसल होने में बहुत दिक्कत आती है और धीरे धीरे ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है. लिविंग द लैंड फेलो क्या है? व्हेन लैंड इज लेफ्ट अलाउ फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लैंड replaces its nutrients by itself. कुछ समय के लिए खेत की ज़मीन को खाली छोड़ देना ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स की पूरी भरपाई कर सकें. कुछ समय के लिए उसमें फसल ना उगाई जाए, उसको हम कहते हैं लिविंग द लैंड फॉर फैलो. दिस लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर अगेन. और फिर से इसे काम में ले सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन एंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली. एक ही फसल को बार बार लगातार ना बोएं एक ही ज़मीन पर, उससे नहीं तो सॉइल इरेजन बढ़ेगा, सॉइल फर्टिलिटी कम होगी. तो क्रॉप रोटेशन का यहाँ पर आप क्या समझें? क्रॉप रोटेशन इसीलिए किया जाता है कि ताकि लगातार फसल ना हो, यानी बदल बदल के अगर बोए जाएंगी फसलें तो उनका फर्टिलिटी बना रहेगा, उनका सॉइल इरेजन नहीं होगा, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहेगा. बाई ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन एंश्योर दैट सॉइल फर्टिलिटी इज रीस्टोर. तो ये कह रहे हैं अलग अलग क्रॉप के उगाने से न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोर रहती है. अब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ अनायास ही उग जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स भी साथ साथ में लेकर के ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देते हैं. तो उन फालतू के जो पेड़ पौधे होते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है फसल के साथ, उनको हम वीड्स कहते हैं. देखिए, वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. सेकेंड, वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप्स बाय द एब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट. ये हम बात कर चुके हैं कि फसल के साथ साथ वो भी पानी, पोषक तत्व, जगह, प्रकाश, ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं. देन टेलिंग. टेलिंग इज ए प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. जो फसल उगाने से पहले, बीज के बोने से पहले जो खेत की जुताई करके फालतू की खरपतवार को हटाते हैं उसको हम टिलिंग कहते हैं. मैनुअल रिमूवल. अगर हमारे पास औजार नहीं है तो हम अपने हाथ से भी, किसान लोग करते हैं, तो उसे हम मैनुअल रिमूवल कहते हैं. मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग देम फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग देम ऑफ ए ग्राउंड लेवल पीरियोडिकली. समय समय पर वो उसमें खोदी देते हैं, खोदी दे करके उसके अंदर फालतू के जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होती हैं, उसको वो हटाते हैं. वीडिसाइड्स की बात करें, ऐसे केमिकल्स जो इन वीड्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको वीडिसाइड्स कहते हैं और ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते. लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में, कुछ प्रतिशत में, 5-10% हम मान सकते हैं कि हमारी जो काम की फसल है उसको भी ये नुकसान पहुँचाते हैं. हार्वेस्टिंग की बात करेंगे. हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर. जब वो पूरी तरीके से फसल परिपक्व हो जाती है, पक जाती है,
उसको अलग करना, काटना, हटाना, फसल को अलग करना खेत से, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और यह मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, ये दो तरीके से की जाती है। एक मैनुअल तरीके से जहाँ पर सिकल यूज़ किया जाता है, सेकंड है मैकेनिकल मेथड जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हार्वेस्टिंग के लिए काम में ली जाती हैं। तो हम हार्वेस्टिंग के जो मेथड हैं अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख चुके हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी इनकेस आपको कोई बात पूछनी है, कोई क्लियर नहीं है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके मैसेज का तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ये आपको कॉपी में नोट्स बनाने हैं अच्छे से और इनको तैयार करना है, इनको याद करिए। जो अपने आप से स्वयं पढ़ाई करेंगे वही इस लॉकडाउन के पीरियड में आगे जाएंगे। और अपने आप को और अपने परिवारजन को आप स्वस्थ रखें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।